डेढ़ घंटे की हेयरिंग एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब और डिप्टी जनरल साहब ने कर दी थी। उनके तरफ से 2 तारीख को एक एफिडेविट अदालत में फाइल किया गया और एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये कहा गया जो पिशावर हाईकोर्ट के ऑर्डर 2 जनवरी के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब फरमा रहे हैं कि मेरी जो हाजिरी लगी है ना ही तो मैं उस दिन मौजूद था कोर्ट में, और जो मेरी सबमिशंस का लिखा गया है नहीं तो मैंने सबमिशंस की है। अदालत ने उस इस्तदा को मंजूर किया था कि आपने चूंकि एफिडेविट दिया है हम उस इस्तदा को मंजूर करते। हम समझते हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं है क्योंकि वो कोर्ट में भी मौजूद थे और आर्गुमेंट्स भी हुए थे और इलेक्शन कमीशन का केस पुटअप भी हो गया था। एनीवे अदालत ने यह मुनासिब समझा कि उस ऑर्डर को रिकॉल कर ले, चूंकि इलेक्शन हो रहे हैं 13 तारीख बड़ा क्रिटिकल है। इलेक्शन कमीशन ने आज तक जो रिजर्व सीट है जो पूरे मुल्क में 227 है उसमें 70 सीटें नेशनल असेंबली और बाकी सीटें प्रोविंशियल असेंबलीज की हैं। उसमें हमारी वुमेन और नॉन मुस्लिम जो रिजर्व सीट के लिए अप्लाई कर चुके हैं उनकी नॉमिनेशन की स्क्रूटनी अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं की, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने उसकी वजह से शेड्यूल में चेंज करके रखा कि आखिरी दिन 13 तारीख तक है। चूंकि मैटर अर्जेंट है, निशान अलाट होना बड़ा ज़रूरी है, एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ कॉमन सिंबल न होना उस पॉलिटिकल पार्टी के रिजोल्यूशन के मुतरादिफ है, लिहाजा पार्टी को डिसफंक्शनल करना आईन की खिलाफ वर्जी है। इसके खिलाफ आज हमने पिटीशन इस अदालत में फाइल की है, उसको नंबर अलाट हो चुका है पिटीशन नंबर 7/2024। इसके साथ हमने दरख्वास्त ही गुजारी है अदालत से, हमारी रिक्वेस्ट है कि उसकी हेयरिंग, चूंकि आज अगर लेट ज़्यादा नहीं है तो उसकी हेयरिंग कल हर सूरत की जाए ताकि ये अनसर्टेंटी ख़त्म हो। लोगों के फंडामेंटल राइट्स का इशू है, इलेक्शन का इशू है, इलेक्शन की डिले को बचने का भी इशू है, इलेक्शन के फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और इसकी लेजिटिमेसी भी इन लाइन होगा। इसलिए हमारी अदालत से एक दरख्वास्त हमने की है कि इसकी हेयरिंग करे। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट कल इसकी कोई ना कोई सुनवाई करेगी और हमें बताया जाएगा। साहब ये बताएं कि आजाद सूरत में अगर कोई अरकान जीतते हैं तो हमने ये देखा है कि हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खुल जाता है पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट कमजोर हो जाता है, वो कौन सी कुव्वतें हैं जो आपको एक बड़ी जो है जमहूरियत से महरूम करके हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग की तरफ जाना चाहती हैं? देखिए वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और उनके ऊपर फ्लोरिंग क्रॉसिंग का कानून लागू नहीं होगा तो जो भी इलेक्शन जीतेगा जीत उन इंडिविजुअल की तो ज़रूर हो जाएगी कुछ वक्ती तौर पर, लेकिन इसमें हार सिस्टम की होगी, इसमें हार पार्लियामान की होगी, इसमें हार जमहूरियत की होगी, इसमें हार सारे इंस्टीट्यूशन की होगी, क्योंकि वो मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता जिसको स्ट्रांग रियासत न मिले, और कभी आपको स्ट्रांग रियासत नहीं मिलती अगर उसके में आने वाला बंदा खुद भी दागदार हो। तो ये यही तो हम कोशिश कर रहे हैं कि काइंडली इस बात को मद्देनजर रख के पार्टी को लो कर ले, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दे दे, सबको निशान अलाट कराएं, पार्टिसिपेट करें, यही कानून है, तो यही के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। गौहर साहब ये बताइएगा कि देखे वो इंटरम ऑर्डर है, वो इंटरम ऑर्डर के खिलाफ हम आए हैं, वो अदालत कल देखेगी इस मैटर को, वाकई मेरिट उस पर लगा हुआ है, लेकिन अगर किसी वजह से सुनवाई नहीं होती या अगर हो भी जाए और ऑर्डर आने में देर है तो हमारे पास सिर्फ एक दिन बच जाएगा 11 तारीख, जो एक दिन में अगर होगा तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ये सारे, क्योंकि अगर ये कोई भी और मसला होता अदर देन अलाटमेंट ऑफ अ सिंबल फिर शायद हो सकता था, लेकिन इसकी अर्जेंसी की वजह से हम सुप्रीम कोर्ट आए के मुनासिब ऑर्डर पास कर लें। गौहर साहब ये बताइएगा कि एक मिनट बात बताइएगा किन किन चैलेंजेस का सामना है आईनी तौर पर या वैसे ग्राउंड पर? देखिए हमें जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग का पूरे मुल्क को इस वक्त सामना करना है वो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो एक इकोनॉमिक जो डाउनफॉल है इसका है, और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, उसमें सारे पार्टिसिपेट करें, जो भी हुकूमत स्ट्रांग आ जाए सब उसके साथ ताउन करें और हम मुल्क को आगे ले जाएं। हम आवाम पाकिस्तान पार्टी के सर अभी 4:30 बजे इलेक्शन कमीशन आमद थे और वो बल्ले का निशान मान गया है सर, वो दरख्वास्त
देखिए बल्ले का निशान एक मरतबा किसी को अलर्ट हो चुका हो तो वो किसी और पार्टी को वैसे भी अलर्ट नहीं हो सकता। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इलेक्शन नहीं करेगी, और यही तो रीजंस है कि हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तेदा कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का जो हमारा पिटिशनर है उसका हक है कि हमें कॉमन सिंबल दी जाए और सबसे पहले हमें अपना बेट वापस मिल जाए। मिनिस्टर गौर साहब, ये बताएं कि आपने यहाँ पर तस्लीम किया है कि वहाँ पर जो है आपकी कानूनी टीम जो है वो इस चीज को एक्सपोज नहीं कर सकी। नहीं, हमने आप जब गलत एफिडेविट जमा कराए जा रहे हो तो आपको पॉइंट आउट करना चाहिए। नहीं, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो 2 तारीख को उन्होंने जमा किया है, हमारा काउंसिल नहीं था, एक्स पार्टी हेयरिंग हो गई थी और 2 तारीख को कोई नहीं था, हमें नोटिस उस दिन आया है और उस दिन के बाद 3 तारीख को अदालत ने उसको विकेट किया है। 3 तारीख का इशू यह है कि 3 तारीख को हमारे यहाँ भी केसेस थे, खान साहब के साथ भी मिलना था और अदालत से यही इस्तदा की गई थी पिशावर में भी कि मेहरबानी कर ले, एक ही दिन ने बीच में आज का दिन था, अब नेक्स्ट अवेलेबल डीबी जो है वो 9 तारीख को है, तो अदालत के लिए अगर बहुत ज़्यादा होता तो अदालत कोई वेरिफिकेशन का ऑर्डर जरूर करती अगर करना था, अदरवाइज इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर विदाउट ज्यूरिसडिक्शन था, इसलिए पहला वाला ऑर्डर जो इशू हुआ था हमारे फेवर में वो मुनासिब था और उसको रहना चाहिए था, लेकिन एनीवे आप सुप्रीम कोर्ट देखेगी, सुप्रीम कोर्ट से इतनी इस्तिता हमारी दरख्वास्त जरूर है कि इसकी जल्दी हियरिंग कर लें वरना नीचे जो पिटीशन है वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगी। सर, अगर पीटीआई को देखिए प्लान बी तो ज़रूर पार्टी रखती रहती है, लेकिन हमारी पहली कोशिश यही है कि हमारा बल्ला मिल जाए और अगर बल्ले पे जो भी कोई है हमने रिक्वेस्ट की हुई है कॉमन सिंबल हमें मिल जाए। पॉलिटिकल पार्टी जब कैंडिडेट स्प्लिट करती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक सिंबल होना चाहिए जिस पे वो इलेक्शन में जा सके, तो हम भी एक ही इलेक्शन सिंबल मांग रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को आप विदाउट सिंबल ना छोड़े, ये सारे पाकिस्तानी अवाम की बुनियादी हकूक का मसला है, ये वोटरों का मसला है, लोग कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, डिसएनफ्रेंचाइज नहीं होने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे आप डिसॉल्व करके इसे खत्म कर दे ये बिल्कुल गैर यकीनी है और मैं समझता हूँ जमहूरियत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश होगी अगर ये कामयाब हो जाती है। देखिए इंशाल्लाह ताला सारे जितने कागजात उन्होंने नामंजूर कर लिए थे जिस भी ग्राउंड पे किए इंशाल्लाह ताला जब अदालत के पास जाएंगी, पहले दिन से हम कहते चले आ रहे हैं कि हमें अदलिया पे पूरा एतमाद है, इंशाल्लाह ताला अदलिया इंसाफ करेगी और सारे रिस्टोर होंगे। एक बात है, 8 तारीख को इंशाल्लाह जिस तरीके से इन्होंने हमारे सारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किए 90% वन आफ्टर अदर, 8 तारीख को इंशाल्लाह ताला वन आफ्टर अदर ये सारे 90% हारेंगे। ले लिया जी।